दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पारा आसमान छू रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। आईसीयू वार्ड में काफी लंबे समय से एयर कंडीशनर लगाने की मांग चल रही थी, जिसको लेकर पत्रकार साथियों द्वारा कई बार इसकी मांग की गई एवं जनप्रतिनिधियों से भी स्वास्थ्य अधिकारियों से इस विषय में चर्चा की गई, जिसके बाद आज आईसीयू वार्ड में एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को इस तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सके। मरीजों द्वारा भी स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद दिया गया है और कहा गया है कि एयर कंडीशनर लगने मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि आईसीयू वार्ड में सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ती है। इससे आईसीयू वार्ड में भी एसी लगाए गए हैं और अन्य वार्डों में जहां कूलर की आवश्यकता है वहां पर कूलर भी लगवाए जा रहे हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर, आपसे पूछना चाहूंगा, आईसीयू वार्ड में काफी लंबे समय से एयर कंडीशनर की मांग चल रही थी, इससे मरीजों को परेशानी हो रही थी, अभी वर्तमान में सर क्या स्थिति है? जो आपने बताया कि लंबे समय से मांग थी और आपके द्वारा भी एक बार मेरे को संज्ञान में लाया गया था जब हमने जो है 108 का हरी झंडी दिखाई थी। सो मैं दूसरे दिन जाके उसका विजिट करके जो है ना सिविल सर्जन को इस संबंधित में निर्देश दिए थे कि आईसीयू में जो है ना एसी लगवा दिए जाएँ और जो भी छोटे मोटे काम है वो करवा दिए। तो अभी मालूम चला है कि आईसीयू में जो है ना 2 और 1 3 3 एसी लगाए जा रहे हैं दोनों वार्ड के। और सर क्या कार्य किया जा रहा है? और वो जो महिला वार्ड है पीएनसी वार्ड, उसमें भी जो है ना कूलर लगाने की व्यवस्था भी वो मैंने बोल दी है, वहाँ भी कूलर लग जाए। साथ में एक और आपके संज्ञान में ला दें कि सीटी स्कैन मशीन भी जो है ना 2-3 दिन या 4 दिन में लग जाए, ऑन द वे है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।